अभी अभी नहीं, मतलब मैं अकेली जा रही हूँ आज शॉपिंग करने के लिए करवा चौथ की। ये लोग मुझे जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं आज शॉपिंग करने जाने वाली हूँ स्नेहा के साथ। तो वो आ गई है, वो मुझे स्टेशन पे ही मिलेगी। तो ये मुझे जा रहे हैं वहाँ पे छोड़ने के लिए। और ना बाहर का मौसम देखो किस तरीके का हो रहा है, बारिश हो रही है। पता नहीं मार्केट में शॉपिंग हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, दुकानें खुली मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बट थोड़ी बहुत करनी है। तो सोचा अगर जा रहे हैं हो जाएगी तो और भी अच्छी बात है ना। तो कुछ भी नहीं खरीदा अभी करवा चौथ का, जाते हैं शॉपिंग करके आते हैं। ये हमें मेट्रो स्टेशन छोड़ेंगी और मिलती हूँ स्नेहा से, क्योंकि वो वेट कर रही है, वो आ गई है और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो पहुँच गए हम मेट्रो स्टेशन, अब चलते हैं ऊपर। बाय, आज बाय बाय प्यार कर दे मम्मा। आपके लिए क्या लेके आना है, आपके लिए क्या लेके आना जल्दी बताओ। और मिक्सर मशीन लेके आए उन्हें, और क्या लेके आना जल्दी बताओ। बस ठीक, हाँ ठीक है, क्रेन लेके आएंगे और मिक्सर मशीन। ओके बाय, पापा को तंग नहीं करना, बाय बाय, प्यार तो कर दो मम्मा को, बाय। ये देखो इतनी बारिश हो रखी है, ऊपर चलते हैं, ऊपर वेट करेंगे। सबसे पहले तो मैं ना टिकट लूंगी, क्योंकि मैं ना मेट्रो कार्ड लाने भूल गई हूँ। पहले टिकट कटवाना पड़ेगा, मतलब टोकन लेना पड़ेगा। मुझे हो रहा है कफ देख इसलिए मैं मास्क पहन के आएगी, तुझे भी ना हो जाए। देखो बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा। इससे अच्छा मास्क पहन लूँ ना, नाक पे हवा नहीं लगेगी। हम लोग ऊपर आ गए, मेट्रो का वेट कर रहे हैं, ठंड लग रही है इसलिए मैं थोड़ा देखिए आई। ये आ गई हमारी मेट्रो, अब बैठते हैं इसमें। पहुंच गए आईएनए से मेट्रो चेंज करेंगे सरोजनी के लिए। अब जाएंगे सरोजनी, अब नीचे उतर रहे हैं ना, फिर ऊपर जाएंगे है ना दूसरी। तो हम लोग आईएनए उतरे, आईएनए से अब सरोजनी वाली मतलब दूसरी मेट्रो में बैठेंगे। और भीड़ भी बहुत काफ़ी हो रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि बारिश हो रही है तो अपन ही जा रहे हैं और कोई नहीं जाएगा, फेस्टिव सीजन है ना। हाँ इसीलिए ये पूरा सरोजनी मार्केट खड़ा हुआ है, उसी भीड़ में हम भी हैं। जैसे ही मेट्रो से बाहर निकले ना, तेज वाली बारिश हो रही है। हम लोग जा रहे हैं छतरी लेके, अब पता नहीं मार्केट कितना ओपन है कितना क्लोज है। जाते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, फिर निकलेंगे घर, क्योंकि बारिश हो जा रही, रुकने का नाम नहीं ले रही है। पानी भरा हुआ है, बट नहीं दुकानें तो लगी होंगी क्योंकि पीछे भी लगा हुआ है ना। देखते हैं कुछ ना कुछ मिलेगा ही, गीला गाला सूखा। शॉपिंग कर ली है, अब क्या क्या किया है वो बाद में देखेंगे है ना। दोनों ने एक एक प्लांट ले लिए, चलते हैं घर। इसने निकल जाएगी सीधी, ये आ जाएंगे मुझे स्टेशन लेने के लिए। भाई उतर गए मेट्रो स्टेशन से नीचे, रुद्रांश के स्कूल का होमवर्क है। सो ये रुद्रांश ने डॉक्टर बनाया था, ये मम्मा ने डॉक्टर बनाया है, एंड ये क्या है पुलिस, ये पुलिस, एंड ये पोस्टमैन, ये चिट्ठी लिए हुए है ना, ये पोस्टमैन का बैग है, एंड ये डॉक्टर की किट है, और पुलिस वाले के पास कुछ नहीं है। सो ये मम्मा और रुद्रांश के पास बैग तो है, बैग, ये टोपी तो है। ओ सो ये मम्मा ने और रुद्रांश ने दोनों ने बनाया है। अब इसको हम बना लिया है, ड्रॉ कर लिया है, अब इसको हम कॉपी में पेस्ट करेंगे। ये मम्मा की ड्राइंग पे बिल्कुल भी मत जाना, इतनी गंदी सी ड्राइंग है। सो ये है होमवर्क, डॉक्टर, पुलिस, पोस्टमैन, डॉक्टर, अरे क्या पढ़ रही हूँ समझ नहीं आ रहा, पोस्टमैन, पुलिस, डॉक्टर, इस वाले पेज पे हमें पेस्ट करना है। इसको कट करेंगे एंड इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ मैंने कट किए हैं, रुद्रांश यहाँ पेस्टिंग का काम करेगा। चलो बस 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 हो गया, इनफ है, थोड़ा है। ओके कोई बात नहीं, वो चिपक जाएगा, अभी गीला है ना।
हैं ऑफिस से, आज आ गए हैं जल्दी क्योंकि जाना है शॉपिंग पे, और मुझे फ़ोन करके इन्होंने बोल दिया था मेरे लिए बना लेना चाय। सो यहाँ पे बन रही है चाय, नहीं चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। तो अभी हमारी करवा चौथ की जो शॉपिंग है ना वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ी बहुत और शॉपिंग है वो आज जाएंगे करेंगे। परसों है करवा चौथ और कल रहेगी इनकी मीटिंग शाम के टाइम में, तो ये मुझे कहीं नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये जाएंगे ऑफिस कल, कल भी जाएंगे और परसों का मैंने इनको बोल के रखा है परसों नहीं जाना, अब परसों का परसों देखा जाएगा। और क्या कर रहे हो, कल मेहंदी लगाएंगे एंड परसों हम फास्ट रखेंगे। बस अभी चाय पीते हैं एंड मार्केट के लिए निकलते हैं, थोड़ी बहुत बची खुची शॉपिंग करके आते हैं। चाय बन रही है इनके लिए, इनके लिए नहीं मतलब मैं भी पीऊँगी, इनके साथ रहते रहते मुझे भी ना चाय का एकदम चस्का लग गया है पीने का। और हमारे घर के और मेंबर क्या कर रहे हैं मैं वो दिखाती हूँ, देखो भाई देखो 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 भाई देखो पढ़ाई हो रही है पढ़ाई और सारे गलत बन रहे हैं। नहीं नहीं क्या, ये ऊपर जाता, ये ऊपर जा रही है, ये लाइन से टच हो रहा है, ये देखो आपके सारे ऊपर चलेगा, मतलब सारे गलत बना दिए आपने, उनको करेक्ट करो, इरेज करो फटाक से जब तक हम चाय पियेंगे। फिर से निकल चले हम शॉपिंग करने के लिए। मम्मा ने मुझे ठोक ठोक के पढ़ाई करते करते गाड़ी मुझे बोल दिया है चलो चलो। अरे यार मैं पढ़ाई कर रहा था ठीक है, डिस्टर्ब कर दी, डिस्टर्ब कर दिया तो ठीक है, आप रुक जाते घर हम आ जाते, हम और पापा। बुक गल गई होगी, मैंने सोफे पे रखी थी। तो अभी हम फिर से निकल चले कपड़े की खरीदारी। बच्चों के स्कूल में पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम चलते रहते हैं, कभी रेड कलर डे, कभी येलो कलर डे, कभी ग्रीन कलर डे, अभी स्कूल में है वाइट कलर डे है, तो उसको वाइट कलर की कुछ ड्रेस लेना है, तो हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा ले लेते हैं कि उसको दिवाली पे भी पहनने को हो जाएगा, उसके अभी स्कूल में पहनने को भी हो जाएगा। तो रुद्रांश के लिए कपड़े लेने हैं और हम सोच रहे हैं अगर जाना होगा दीदी के यहाँ तो थोड़ा बहुत रुद्रांश के भाई के लिए भी कपड़े देख लेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। और यहाँ पे फेस्टिवल की वजह से बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं, क्या हो आप भूल रहे हो, आपके दिमाग में वही रहेगा। तो कहाँ जाना है, वॉशरूम जाना है, हम जैसे ही किड्स सेक्शन में आए ना कपड़े देखने के लिए, जैसे ही इनको वॉशरूम आगे तो नीचे लेके जा रहे। सो ये उसका ड्रेस फाइनल हो गया एंड सेकंड ड्रेस और देखते हैं, इसको थोड़ी देर और रखा ना तो सब अपने पसंद का निकाल लेगा, पता नहीं इसको अभी क्या क्रेज चढ़ गया है आर्मी वाले कपड़े लेने इसको। सो रुद्रांश की हमने यहाँ पे विंटर वाली भी शॉपिंग कर ली है। हाँ मोटे कपड़े क्यों लिए जाते हैं, जिससे कि ठंड नहीं लगे। निकल जाएगा हाथ, हाँ निकल गया, ये देखो कौन सी बेस्ट लग रही है, रुद्रांश ने थ्री जैकेट ट्राई कर ली है। थैले में कपड़े ही कपड़े हैं बस, बाकी ये एक दो पैकेट दिख रहे हैं ऊपर खाने पीने का सामान। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब आज नहीं कल भी किया था मैंने थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा मैं कर रही हूँ दो तीन दिन से, बट मैं उसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ। सो मैं पिछला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, जो लेटेस्ट अभी मैं आप बनाया है ना वो वाला शेयर करूँगी। और रात में हम लोग शॉपिंग करके आ गए थे और उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाया, उधर से आने के बाद बाहर का भी हम लोग कुछ भी नहीं खा रहे, वैसे भी नहीं खाते और अभी हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं क्योंकि सबकी तबीयत खराब हो रखी है, मेरी रुद्रांश के रुद्रांश के पापा के। रात में हम लोग आए फिर वहां से आने के बाद खाना बनाया क्योंकि रुद्रांश को जाना था स्कूल एंड इनको जाना था ऑफिस, तो हम लोग ना खाना बना खा के एंड सो गए थे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, वो दोनों निकल गए हैं और मैं भी फ्री थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को शॉपिंग दिखा देती हूँ मैं करवा चौथ पे क्या क्या मैंने खरीदा है। एंड बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने, सच बताऊँ तो मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा है। और अभी मैं शॉपिंग दिखाती हूँ, सबसे पहले आप लोगों को मैं क्या खरीद के लेके आई हूँ। मैं कल सरो
सरोज नहीं गई थी तो वहां से भी कल नहीं सॉरी परसों गई थी कल तो मैं ये बबेशाल गई थी जहाँ से मैं कपड़े लेके आई। सो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड मेरी करवा चौथ की तैयारी कुछ इस तरीके से है, हफ्ते भर से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं थी और कफ हो रहा था बहुत ज्यादा और बोलने में भी ना बहुत ज्यादा मतलब वैसा अजीब फील हो रहा था। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, मेरे से सच बताऊँ बना भी लेती बट मेरे से एडिट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं लैपटॉप पे बैठ सकूँ। सो इसलिए मैंने कुछ भी ब्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि तीनों की तबीयत खराब हो रखी थी। अभी सरोजनी गई हुई थी ना परसों, तो ये सरोजनी की शॉपिंग बची हुई है, मैं वो बता देती हूँ क्या क्या लेके आई थी। एंड जो कल विशाल गए थे हम थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेके आए थे, ये कसूरी मेथी, ये व्हाइट वाली मटर एंड ये वर्मसली नाश्ते के लिए, ये सारी चीजें थी। एंड अभी मैं कपड़े दिखा देती हूँ फटाफट से, मैं मेरे लिए क्या लेके आई हूँ मैं वो बताऊंगी अभी आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं रुद्रांश की शॉपिंग दिखा देती हूँ, मैं रुद्रांश के लिए क्या क्या लेके आए हम लोग। ये है उसकी जैकेट, ये है एक हुडी वाला, ये है एक इस टाइप की टी शर्ट है एंड इसके साथ एक लोवर है, ये इस तरीके से एक ड्रेस ये है, मतलब ये दोनों साथ में ही है। इसलिए हम कुर्ता पजामा लेके आए हुए हैं। सो ये ड्रेस उसको हो जाएगी अभी दिवाली आ रही है ना, दिवाली पे पहने। पैंट है उसका व्हाइट तो नहीं है, मैं इसको हल्का सा ब्लू टाइप में है, व्हाइट नहीं बोलूंगी क्योंकि अगर व्हाइट से कंपेयर करेंगे तो ये व्हाइट है, ये वाला व्हाइट कलर है एंड ये थोड़ा सा लाइट ब्लू टाइप में जा रहा है। तो ये जो ड्रेस है उसको स्कूल में पहन के जाना है जिस दिन उसका स्कूल में व्हाइट कलर डे है, है ना। सो ये उसकी, और मैं अपने लिए लेके आई हूँ ये एक प्लाजो, मुझे इस तरीके का ये प्लाजो चाहिए था, रुद्रांश के भाई के लिए शॉपिंग करके लेके आए हैं ये है। और इसके साथ में एक ये पैंट है, तो ये भी हुडी वाला है इस तरीके का, अभी ठंडी आने वाली है तो, सो एक ये है। तो ये दो ड्रेस रुद्रांश के भाई यानी कि रॉबिन के लिए है ये दोनों ड्रेस। अभी दिखाती हूँ मैं जो सरोजिनी से हमने कपड़े खरीदे थे उसमें क्या था। ये मैं अपने लिए एक व्हाइट कलर का प्लाजो लेके आई हुई हूँ, कुछ सूट लेके आई हुई हूँ, ये देखो इस तरीके से है। इसके साथ में प्लाजो है एंड चुन्नी है, ये इसका प्लाजो है एंड ये इसमें ये चुन्नी है। उसके बाद एक सूट ये है, ये भी मतलब कुर्ती प्लाजो में ही है, ये थर्ड ए वाला सूट है, ये देखो ये इस तरीके, इसमें भी चुन्नी है एंड प्लाजो है, प्लाजो मतलब वो पैंट वाले जो चल रहे हैं ना अभी, वो उस टाइप का प्लाजो है इसमें। सो बस ये चुन्नी एंड प्लाजो। क्लचर लिए थे, मेरे सारे क्लचर टूट गए थे, ये देखो मैंने तीन अपने लिए क्लचर लिए हुए थे। सो ये थी हमारी शॉपिंग जो हो गई है। कल करवा चौथ है, मेरी मेहंदी भी नहीं लगी, मेहंदी लगवा के आऊंगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो एंड मेरी शॉपिंग कैसी लगी मुझे जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।